ये है एनल लिजर्ड। इसमें काफी दमखम है। ऐसे पुशअप से ये अपनी ताकत दिखाकर प्रतिद्वंदियों को अपने पेड़ से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है ताकि इसे ज्यादा खाना और ज्यादा मादाएं मिल सके। लेकिन सबको इसकी बात समझ में नहीं आती। एक घुसपैठिया आ गया, उसकी नज़र इस बड़े लिजर्ड के पेड़ पर है। क्या ये कुछ दमखम दिखा सकता है? पूरा नहीं है। बड़े लिजर्ड को दिखाना होगा कि यहाँ किसका दबदबा है। ये देखिए, लिजर्ड के लिए ताकत दिखाने का सबसे जबरदस्त तरीका। लेकिन दोनों इस खेल में बराबरी पर हैं। एक ही तरीका है इसे सुलझाने का, लेकिन इनकी लड़ाई के दौरान एक बड़ा तूफान इस तरफ पड़ रहा है। ये तेजी से पेड़ के ऊपरी हिस्से की ओर भागे ताकि डूब में से बच सके। तूफान समंदर से जमीन पर पहुँचा तो एनल लिजर्ड्स ऊंची टहनियों से चिपक गए। पकड़ छूटने पर ये सब कुछ खो बैठे। बड़े लिजर्ड का भविष्य टिका है इसकी तीख उम्र पर, और इसका प्रतिद्वंदी भी हालात से जूझ रहे हैं। बड़ा लिजर्ड अपनी पकड़ और अपना इलाका बनाए रखने में कामयाब रहा। इस लड़ाई में सिर्फ सबसे ताकतवर ही बचते हैं, लेकिन इस जीत का कोई भरोसा नहीं। आज इंसान की वजह से हो रहे जलवायु परिवर्तन ने हरिकेन्स को और ताकतवर बना दिया है। पौधे अक्सर आने लगे हैं। कुदरत के इस बढ़ते हुए कहर से निपटने के लिए इन लिजर्ड्स का शरीर बदलने लगा। कमाल की बात है कि कुछ ही पीढ़ियों में इन्होंने मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए उंगलियों पर बड़े पैड्स विकसित कर लिए हैं।